हेलो गाइस, सो ये है थर्ड डे इन उदयपुर। सो आज लोकल जो जगह है वो ही घूमेंगे। कुछ जगह थी जो एक्सप्लोर नहीं करी थी, सज्जनगढ़ पैलेस और करनी माता टेंपल। हाँ, और भी हैं कुछ जो हम आई थिंक यहाँ पे घूमेंगे आज थर्ड डे में। सो मैं आज ये कवर करने वाली हूँ। सो मिलते हैं वहीं पे ही। से आपको उदयपुर सिटी का एक अलग ही नज़ारा दिखता है। इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ पे, ना खाने वाने के भी काफ़ी ऑप्शन है और बहुत ही प्यारा व्यू है। आप देखो, मेरा प्लान सज्जनगढ़ पैलेस का ड्रॉप हो गया है क्योंकि यहाँ से ही इतना ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है और सज्जनगढ़ पैलेस पे भी आपको व्यू ही मिलेगा। सो वाला प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे काफ़ी फूड ऑप्शन है। जो आपने जो रूफ टॉप पे देखा था वहाँ पे भी फूड ऑप्शन है और नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैं ये फूड ट्राई करूँगी। कुछ कॉर्न करके है, चीज़ी कॉर्न, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे, सो मैंने ये ऑर्डर किया ये एक। सो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। और यहाँ पर काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं और मेरी जो रोप वे थी वो आ गई थी, सो मैं निकल गई थी। और उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको लेक पे चोला दिखेगा, यहीं पे ही है, मतलब उसके ज़्यादा दूर नहीं था वो। सो यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी, मतलब लाइक नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। और अब मैं जा रही हूँ लेक पे चोला के लिए अपनी बोट राइड के लिए। एंड यहाँ पे जो आप सिटी पैलेस का जो व्यू दिखता है ना, मतलब आप सिटी पैलेस भी होके आ जाओगे पर यहाँ से जो व्यू दिखता है सिटी पैलेस का वो एक डिफरेंट ही लेवल है। सो ये मस्ट विजिट, मतलब आप यहाँ पे पक्का आइए बोटिंग करने लेक पचोला पे, वर्दी है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आपको और भी मतलब होटल्स जो है ना, जैसे ओब्रॉय होटल्स है, ताज लेक पैलेस है, जो भी मतलब लेक पचोला पे हैं वो आपको सब दिखेंगे। जैसे कि ये जग मंदिर है। सो जो नेक्स्ट जो मैं प्लेस जाने वाली हूँ और वो भी मतलब वॉक डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा आपको मतलब वहाँ पे ऑटो ऑटो लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वॉक करके भी जा सकते हो। और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ यहाँ पे आती हैं और बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पे आप शाम को आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सनसेट दिखेगा और व्यू जो मिलेगा वो एक डिफरेंट ही उसकी वाइब्स हैं। सो मस्ट विजिट प्लेस है ये भी। देन मैं गई सिटी पैलेस और क्या था कि सिटी पैलेस वहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अमराई हट के थोड़ा सा ही आगे आप जाओगे तो सिटी पैलेस है और वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं नाइट शो का जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो देखूं। और यहाँ पे जो टिकट है वो है 300 रुपीज़ की, सो मैं वही देखने जा रही हूँ। सी कि सिटी पैलेस का जो नाइट का व्यू है वो भी एक डिफरेंट ही लेवल का है और वो भी हमने जो लाइट एंड साउंड शो देखा वो भी काफ़ी अमेजिंग था मतलब। और आप भी मतलब ये ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। सो नेक्स्ट डे मुझे अपना दिल्ली के लिए वापस निकलना था, तो कुछ जगहें थी तो थोड़ा बहुत सोचा कि वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि शाम की ट्रेन थी। गाइस, आज मैं जा रही हूँ अमराई घाट और यहाँ पे क्या है सीन कि फ़ोन का भी ना आपको चार्जेस लगेंगे। फ़ोन के लिए आपको मतलब 100 रुपीज़ देना होगा, मतलब एक एक फ़ोन का इतना चार्जेस है, वीडियोग्राफी जो भी करनी है आपको 100 रुपीज़, और 10 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन की। सो अंदर चलते हैं क्या है, क्योंकि ऐसा इतना ज़्यादा कोई भी घाट पे मैंने नहीं देखा प्राइस, तो कुछ वर्थ ही होगा, चलते हैं अंदर देखते हैं। एंड आप यहाँ पे वेडिंग फोटो शूट एंड पिक्चर क्लिक करने आ सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। एंड अभी मैं यहाँ पे दोपहर के टाइम आई हूँ तो यहाँ पे कुछ भी क्राउड नहीं है जैसा आप देख सकते हो, तो शाम के वक्त आना यहाँ पे बेटर आइडिया होगा। यहाँ से ना आपको सिटी पैलेस और ताज लेक पैलेस बहुत ही करीब से दिखाई देगा और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा उसका यहाँ से आपको। एंड
DSLR एंड फ़ोन से जो आपको फ़ोटो क्लिक करनी है उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं, सेम नहीं है। गाइज फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ बगौर की हवेली, और यहाँ की जो टिकट है इंडियन पीपल की 55 रुपीज़ है इंडियन पीपल की टिकट। और फोक डांस शो जो होता है वो 7 से 8 बजे होता है शाम को, और यहाँ पे DSLR लाने का प्राइसेस थोड़े हाई हैं और वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। सो अंदर चढ़ के अब देखते हैं। बगौर की हवेली श्री अमर चांद बादवा ने बनवाई थी, और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे मेवाड़ के 751 से 778 तक। एंड इस हवेली के अंदर, और नाउ अब ये जो हवेली है ये एक म्यूज़ियम में ट्रांसफॉर्म हो गई है। सो ये जो अब म्यूज़ियम है ये आपको एक ग्लोरी दिखाएगा, आपको जो रॉयल्स हैं उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इतना बड़ा थाल पोष प्लेटेड बैट तो बगौर की हवेली देखने के बाद फिर मैंने सोचा मैं अब दिल्ली जाना था तो ट्रेन पकड़नी थी, और शाम की ट्रेन थी और टाइम हो गया था, तो मैं निकल गई थी रेलवे स्टेशन की। और सो चेतक एक्सप्रेस से मैं दिल्ली जाने वाली थी, और फर्स्ट क्लास एसी मैंने बुक करी थी जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसी होती है। फैसिलिटीज़ अच्छी थी, मतलब फर्स्ट क्लास एसी की, आपको यहाँ पे ब्लैंकेट मिलेगा। एंड खाने के लिए आपको एक स्टॉप पे रोकेंगे वो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आपको ये अच्छा सा खाना भी मिलेगा, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज थी इसकी, 100 और 80 रुपीज़ की आपको यहाँ पर थाली मिलेंगी। सो ये था मेरी उदयपुर की ट्रिप की जर्नी का सारे पार्ट, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।